class 1. This is your EBS class and we are going to start new lesson, My Food Habits. Means खाना खाने की हमारी आदत, My Food Habits. आप लोगों को पता है कि हम सब खाना खाते हैं, हमें खाना खाना पड़ता है. क्यों खाना पड़ता है? Why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं to grow, to get energy and stay healthy. ठीक है, ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए एंड स्टे हेल्दी. वी आर ईटिंग टू फूड फॉर अ ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी. ठीक है, हम बहुत सारा खाना खाते हैं. हम मिल्क पीते हैं, चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, दूध पीते हैं. हम पूरे दिन भर में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं. ओके, वो सारी चीज़ों में से हमें ऐसी प्रोटीन विटामिन्स मिलते हैं जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी आती है और जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं. ओके, अब बहुत सारी चीज़ों में हम मॉर्निंग में सबसे पहले हम एक ग्लास मिल्क पीते हैं. लुक एट हियर, ये मैम के पास है मिल्क का पिक्चर. हम मॉर्निंग में सुबह पीते हैं. अब मिल्क पीने से हमें क्या मिलता है? मिल्क पीने से ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? मिल्क आता है ग्रो करने के लिए, हमें हेल्प करता है. मिल्क किसके लिए हेल्प करता है? हमें ग्रो करने के लिए. लुक, मिल्क हमें किसके लिए हेल्प में आ रहा है? ग्रो करने के लिए. तो वी हैव टू ड्रिंक डेली मिल्क. सुबह रोज़ दूध पीना है. क्यों? क्योंकि मिल्क से हम ग्रो करते हैं. एंड लुक एट दिस, ये क्या है? दिस इज़ अ एग. ये एग है और ये एग से भी हम एग भी हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. तो हम ग्रो के कॉलम में किसको ऐड ऑन कर देंगे? एग को भी ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि एग से भी क्या होता है? हम ग्रो करते हैं. तो ग्रो करने के लिए हमें मिल्क, एग. एंड लुक एट दिस, दिस इज अ बाउल ऑफ दाल. एक ये दाल का बाउल है, इसे भी खाने से हम ग्रो करते हैं. तो दाल भी हमें डेली खाने में खानी चाहिए. तो दाल किसके लिए यूज़ में आती है? फॉर ग्रो. ठीक है, हमें मिल्क, एग और दाल से हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं बहुत बड़े, ग्रो. दिस इज़ अ फिश. ये जो फिश है उसको खाने से भी हमें ग्रो, हम ग्रो हो जाते हैं. तो दीज फूड्स, अगर हम ये फूड खा लेते हैं तो इससे हम क्या हो जाते हैं? इससे हम ग्रो करने लग जाते हैं, बड़े होते हैं. ठीक है, जो बच्चे वेजिटेरियन हैं वो ये चीज़ें खा सकते हैं, और मिल्क और दाल. और जो नॉन वेज खाते हैं वो एग को और फिश को भी खा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने खाने में लेते हैं तो हम इससे ग्रो करने लग जाते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर. हियर इज सम पिक्चर ऑफ चपातीज. जो आप रोज़ सुबह खाते हो ना चपाती, खाने में रोज़ लंच में खाते हो, वो चपाती है. और अगर हम डेली अपने खाने में चपाती खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. तो हम एनर्जी के अंदर चपाती को लगा देंगे. चपाती खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. तो हमें रोज़ खाने में, लंच में, डिनर में चपाती खानी है. ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज़ अ बाउल ऑफ राइस. ये चावल का बहुत अच्छा वाला भरा हुआ कटोरा है. हमें डेली राइस भी खाने में खाना चाहिए. राइस खाने से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए. वी गेट एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? उसके लिए हमें खाना चाहिए राइस. अब लुक एट दिस, दिस इज़ अ पैकेट ऑफ ब्रेड. ये ब्रेड है जो हम हमारे ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मतलब मॉर्निंग में खाते हैं. ठीक है, तो इस ब्रेड को भी, ये भी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. ब्रेड ऑल्सो गिविंग अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. तो आई विल पेस्ट एट हियर. नाउ लुक एट हियर, हियर इज अ पैकेट ऑफ बटर. जो हम ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, उसे बटर कहते हैं. वो बटर भी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो हम बटर को भी एनर्जी में रख दें. हमें खाने में वेजिटेबल्स और फ्रूट भी खाना चाहिए. देखो, दिस इज़ अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ये हमें खाने में खाना चाहिए, लंच में, डिनर में, कभी भी. ये फ्रूट खाने से क्या होता है? फ्रूट खाने से हम हेल्दी रहते हैं और हमें कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आती है. तो ये हमें हेल्दी रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी, फ्रूट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. ओके, और ये है कैरेट.
ये एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है जिसे हम सलाद में भी खाते हैं। इसे खाने से भी हम फिट एंड फाइन रहते हैं, मीन्स कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आती, तो इससे हम हेल्दी रहते हैं। इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। लुक एट द कलरफुल पिक्चर, कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खाने में खानी है, इससे हमें ग्रो भी होंगे, हमें एनर्जी मिलेगी वर्क और प्ले करने के लिए, और हम हेल्दी भी रहेंगे। लुक एट हियर, दिस इज़ अ बंच ऑफ बनाना, टू बनानास हियर। और बनाना खा, बनाना भी फ्रूट और वेजिटेबल्स में आता है, और उसे खाने से भी हम क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो हम खाना क्यों खाते हैं, वाई वी ईट फूड। हम ईट करते हैं फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हम जो काम करते हैं, प्ले करते हैं, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड वी इट्स हेल्प अस टू ग्रो। हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे करके पापा मम्मी की तरह ग्रो करने लग जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, वो हम किससे होते हैं, फूड से। एंड स्टे हेल्दी, जो भी हमारी बीमारियां हैं वो हमारे बिल्कुल पास नहीं आती। वो किस लिए नहीं आती, क्योंकि हम फूड खाते हैं। तो इट्स अ हेल्प अस टू स्टे हेल्दी ऑल्सो। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड गिव्स अस टू एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड फॉर अस स्टे हेल्दी। हमें एक तो ग्रो करने में हेल्प करता है, एनर्जी के लिए हेल्प करता है, और हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए, मीन्स हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आए, उसीलिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स जो हमें फूड से मिलते हैं, जैसे कि ग्रो, एनर्जी एंड ओके। तो दीज थ्री पॉइंट्स जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं। हमें ग्रो करने के लिए मिल्क पीना चाहिए डेली मॉर्निंग में। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग और फिश खा सकते हो, नहीं तो हमें दाल खाना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी के लिए हमें लंच में, डिनर में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में चपाती खानी चाहिए, राइस, ब्रेड, बटर, ये सब चीज़ें खाने से हमें वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, नहीं तो हम सुस्त बैठे रहेंगे। ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। चपाती के साथ वेजिटेबल्स खाने चाहिए और फ्रूट्स हमें कट करके खाने चाहिए। अच्छा, इस ग्रुप में कोई पिज़्ज़ा, बर्गर ये तो मैम ने ड्रॉ करके लिखा ही नहीं है। क्यों, इसमें कोई पिज़्ज़ा का पैकेट नहीं है, कोई कुरकुरे का पैकेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जंक फूड्स होते हैं और ये सब गलत होते हैं। इससे हमें ना एनर्जी मिलती है, ना हम ग्रो कर सकते हैं, ना हम हेल्दी रह सकते हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, तो हमें ये सब चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, ग्रो के लिए एनर्जी, एग, दाल, फिश, और क्या खाना चाहिए, चपाती, राइस, ब्रेड, बटर, और हेल्दी रहने के लिए वी हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चीज़ें खानी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें कब खानी चाहिए, हमें ये नहीं है कि हमेशा खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए ओनली थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट, ब्रेकफास्ट वी हैव टू ईट इन मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। वी हैव टू चूज वन थिंग्स फ्रॉम ईच ग्रुप, हमें एक ग्रुप में से एक एक चीज़ तो खानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैम ने ग्रो करने के लिए सुबह सुबह दूध पी लिया, ओके, फिर उसके बाद हम खा लेंगे ब्रेड बटर जिससे हमें एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद हमने खा लिया एक बनाना, ओके। तो ये सारे ग्रुप्स में से हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो एक एक चीज़ ले लेंगे, और ब्रेकफास्ट कब करेंगे हम, मॉर्निंग में। ठीक है, और जो दोपहर में खाना खाते हैं, फूड वी ईट इन आफ्टरनून, इट्स कॉल्ड लंच। जो हम आफ्टरनून में खाते हैं वो लंच होता है। उसमें हम क्या खाते हैं, उसमें हम चपाती खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, इस ग्रुप में से दाल खा सकते हैं, इस ग्रुप में से वेजिटेबल खा सकते हैं। ये सब हमें कब खाना चाहिए, लंच के टाइम खाना चाहिए। ठीक है, और हमें डिनर में, रात को जो नाइट में हम खाना खाते हैं, इट्स कॉल्ड डिनर। जो हम नाइट में खाना खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं, और इन सारे ग्रुप में से हमें डिनर में भी एक एक ग्रुप में से मिनिमम 1-3 थिंग्स हमें खानी चाहिए, जिससे ग्रो करने के लिए, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी, ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, खाना कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर वी गेट फूड। हम खाना कहाँ से लेते हैं, मार्केट से तो खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में कहाँ से आता है, सोचो कहाँ से आता है खाना।
वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ खाना है जो पेड़ पौधों से हमें मिलता है, कुछ खाना है जो हमें एनिमल से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, ये सारे खाने की आइटम मैंने यहाँ पे रखी है. ओके, मिल्क, मिल्क कहाँ से आता है? काउ और बफेलो जो मिल्क देती है ना, उसको मम्मा गर्म करके हमें ग्लास में देती है. तो वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल, हम एनिमल से लेते हैं. एग कहाँ से आता है? एग वी गेट फ्रॉम एनिमल. हैन हमें एग देती है और वो हम खाते हैं. दाल वी गेट फ्रॉम प्लांट, हम प्लांट से दाल लेते हैं. फिश वी गेट फ्रॉम फिश वी गेट फ्रॉम एनिमल. जो फूड होता है वो या तो हमें एनिमल से मिलता है या तो हमें मिलता है कहाँ से? हमें मिलता है प्लांट से. तो वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट. ओके, हियर वी हैव डिस्कस्ड इट 3 points. 1, वाई शुड वी ईट फूड, हमें फूड क्यों खाना चाहिए? वी ईट फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी. टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी. ओके, फॉर ग्रो वी हैव टू ईट मिल्क एंड दाल फिशेस. ओके, फॉर गेट एनर्जी वी हैव टू ईट चपाती राइस ब्रेड एंड बटर. टू गेट हेल्दी वी हैव टू ईट ग्रेप्स कैरेट एंड बनाना. ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए. एंड वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें जो खाना मिलता है वो मिलता है हमें प्लांट से और एनिमल्स से. ओके, और हमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम खाना खाते टाइम अपने हैंड को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए. उसके बाद वी हैव टू ईट आर फूड्स, इट्स अ गुड फॉर अस. ओके, एंड वी हैव टू फिनिश आर ऑल फूड, और जंक फूड हमें बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते. ओके, तो रीड दिस लेसन एंड लुक एट दिस चार्ट केयरफुली. ओके, गुड बाय एवरीवन.